महात्मा गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक कहा जाता है। उन्होंने वर्षों बोध गया के बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या की और इसके बाद उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपने विचारों और उपदेशों से पूरे संसार को शांति और अहिंसा का मार्ग दिखाया। इसलिए कहा जाता है कि बुद्ध के विचार आपका जीवन बदल सकते हैं। बुद्ध की आज की अमृत वाणी में हम आपको बताएंगे गौतम बुद्ध से जुड़ी एक ऐसी कहानी के बारे में जिससे आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां रहेंगी, क्योंकि बुद्ध का मानना है कि यह पूरी तरह से आप पर ही निर्भर करता है कि आप खुशी लेना पसंद करेंगे या गम लेना पसंद करेंगे। एक बार बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे, लेकिन उस गांव में लोगों के बीच गौतम बुद्ध को लेकर बहुत गलत धारणाएं थीं, जिस कारण वो बुद्ध को अपना दुश्मन मानते थे। जब उस गांव में बुद्ध आए तो गांव वालों ने उन्हें बहुत भला बुरा कहा, उन्हें बहुत बददुआएं देने लगे। लेकिन इसके बावजूद भी बुद्ध गांव वालों की बात शांति से और मुस्कुराकर चुपचाप सुनते रहे। गांव वालों ने देखा कि उनकी इन बातों का बुद्ध पर कोई असर ही नहीं हो रहा है और वे विनम्रता से उनकी बातें सुन रहे हैं। गांव वाले जब बोलते बोलते थक गए तो आखिर में बुद्ध ने कहा, यदि आप सभी की बातें समाप्त हो गई तो मैं अब प्रस्थान करूं? बुद्ध की बात सुनकर गांव वाले हैरान रह गए, लेकिन उस भीड़ में एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, हमने तुम्हारी कोई प्रसन्नता नहीं की, हम तुम्हें बददुआएं दे रहे हैं, क्या तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, जाओ, मैं आपकी गालियां और बददुआओं को लेता ही नहीं, आपके द्वारा दी गई गालियों से भला मेरा क्या होगा? जब तक कि मैं आपकी गालियों को स्वीकार ही नहीं करता, इनका कोई परिणाम ही नहीं होगा। जानते हैं, कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझे बहुत सारे उपहार दिए, लेकिन मैंने उसे लेने से मना कर दिया। जब मैं कुछ लूंगा ही नहीं तो कोई मुझे कैसे दे पाएगा? बुद्ध ने पूछा, बताइए, अगर मैंने उपहार नहीं लिया तो उपहार देने वाले व्यक्ति ने क्या किया होगा? भीड़ में से किसी ने कहा, व्यक्ति ने अपने उपहार को अपने पास रख लिया होगा। बुद्ध ने कहा, मुझे आप सब पर इसलिए दया आती है क्योंकि मैं आपकी इन गालियों को लेने में असमर्थ हूँ और आपकी ये गालियां आपके पास ही रह जाएगी। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम अगर अपने दुखों का कारण दूसरों को समझते हैं, लेकिन असल में यह हम पर ही निर्भर करता है कि वास्तव में हम क्या लेना चाहते हैं, खुशी या गम, उदासी या मुस्कान। यकीन मानिए, ये छोटी सी कहानी जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है।